हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, लश पश होंगे। ओके, तो आज मैं आपसे अपना वर्कआउट की वीडियो शेयर करने लगा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए कि यार अपना अपना वर्कआउट की वीडियोज़ वगैरह कोई शेयर कर दो हमारे साथ, ताकि हम उसको देख सकें और शायद हम उससे कुछ सीख भी सकें। सीखना तो पड़ेगा। तो क्या बात है, वो ये है कि आज मैंने चेस्ट वर्कआउट किया। सो पहली एक्सरसाइज जो है वो है बारबेल प्रेस। हर किसी जिम में इजीली अवेलेबल है, तो आप इजीली कर भी सकते हैं। इसमें जो पहली चीज़ है जिसको आपको फिगर आउट करना है वो है वेट। आपने जो वेट चूज़ करना है वो वेट आपने अपने लिहाज से चूज़ करना है, ना कि आपके जो पार्टनर, जो आपका दोस्त जिस लिहाज से जिस वेट से बेंच प्रेस लगाए, आपने उसको देख के नहीं लगाना। इसका सबसे पहला नुकसान ये है कि आप इंजरी के कॉजेज हो सकते हैं। दूसरा रीज़न ये कि आप प्रॉपर रेंज एंड मोशन के साथ आप प्रॉपर सेट नहीं लगा पाएंगे। दैट स्टॉप्स योर गेंस और वट एवर गोल्स यू हैव। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अदरवाइज इट टेक्स सो मच टाइम। आई डू 4 to 5 सेट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। 4 से 5 सेट्स आप लगाएं, ये मेरा सुपर सेट है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने जहन में रखनी है चेस्ट प्रेस लगाते हुए, वो ये है आपका रेंज ऑफ, आपकी रेंज ऑफ मोशन। सेकंड चीज़ ये, ट्राई टू डू इट स्लो और अपने मसल को फील करें। माइंड मसल कनेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइंड मसल कनेक्शन। ओके, लेट्स जंप टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है डंबल प्रेस, डंबल इंक्लाइन प्रेस। हर किसी की फेवरेट, ईजिली हर जिम में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ओके, तो सेम चीज़, पहली चीज़ वेट को देखें, आपका वेट वेट को ठीक चूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैक्सिमम वेट, अगर आप 36 केजी लगाते हैं या 40 केजी लगाते हैं, तो आप ट्राई टू गो टू डाउन, क्योंकि उससे ये होगा कि इंजरी के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं और आप प्रॉपर से ही वेट कंट्रोल कर सकते हैं, रेंज ऑफ मोशन का ख्याल रख सकते हैं एंड ईजीली अच्छे से कर सकते हैं। आपको किसी और बंदे की हेल्प की जरूरत नहीं होगी पीछे से, क्या जो हर टाइम स्पेशली आपके पास पीछे रहे और आपकी हेल्प करता रहे। बात थर्ड एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ वो है बारबेल इंक्लाइन प्रेस। एवरीवन नोज दिस एक्सरसाइज, इजीली हर जिम में अवेलेबल है एंड इसमें भी यही करना है। आपने कोशिश करें, रेंज ऑफ मोशन है उसको आप देखें और yes, that's all, like nothing, everyone knows about this exercise. And then next exercise, sorry, maybe आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे मेरे बार बार नीचे, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर देख रहा हूँ कि मैंने कौन सी एक्सरसाइजेस मैंने की हैं। ओके, सो जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक्सरसाइज था जो, ओके, फोर एक्सरसाइज जो है वो है केबल फ्लाई, जो कि मैं कम्प्लीट शूट नहीं कर सकता किसी रीज़न की वजह से। और इसमें यूजली मैं 3 वेरिएशन यूज़ करता हूँ, अपर, मिडल एंड लोअर, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि मैं हर एंगल को हिट करूँ, हर एंगल चेस्ट, अपने चेस्ट के हर एंगल को हिट करूँ। लेकिन क्या है कि इसमें जो मैं वेट है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं जिम में, कि वो वेट काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। यार वेट्स यकदम, ये बात जहन से निकाल दें कि एक दिन आपने यकदम वेट ज़्यादा करके लगाने से आपके डोले शोले बहुत जल्दी बन जाएंगे, नहीं, ये चीज़ें टाइम लेती हैं, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एंगल और आपका माइंड मसल माइंड कनेक्शन एंड रेंज ऑफ मोशन। ये जो 3 चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जहन में ये 3 चीज़ें बैठ जाएं, जब आप एक्सरसाइज के लिए डंबल उठाएं, बार उठाएं, आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि यार मुझे इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ओके, तो इसमें मैं यूजली वेट कम यूज़ करता हूँ, मैं 3 एंगल्स को हिट करता हूँ, किसी रीज़न की वजह से मैं वो 3 नहीं शो कर सका, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर कंप्लीट एक आधे घंटे की या 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट वीडियो शूट करूँगा, जिसमें आपको मैं दिखाऊँगा ऑल दिस। और ये 4 एक्सरसाइज थी, लेकिन इसमें जो मैं 5वीं एक्सरसाइज करता हूँ, एक एक्सरसाइज मैं और करता हूँ, आप भी वो कर सकते हैं जो आप यूजली मैं 5 बजे एक्सरसाइज करता हूँ। मैं अपने वीक, अपने चेस्ट के वीक पॉइंट्स को मैं हिट करता हूँ और आप भी देख सकते हैं, आप जब
शेड उतार रहे हैं शीशे के सामने जाएं और आप देखें यार, आप देखें यार, ओ ये मेरा वीक पॉइंट है या ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा ऐसा होना चाहिए, तो आप वो पांचवी एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज के मैं 4 से 5 सेट्स लगाता हूँ और अक्सर फिर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, इज मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 5 सेट्स जो कि मैं करता हूँ। यूजली वन एंड हाफ आवर मेरा वर्कआउट टाइमिंग होती है। तो ये था आज का मेरा चेस्ट वर्कआउट आपके साथ, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और भाइयों लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को। इस वीडियो का बनाने का जो स्पेशल मकसद है वो ये है कि मैंने देखा है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह हमारी यंग जनरेशन में बहुत कैपेबिलिटी है, में बहुत वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कमी है जिस चीज़ की, वो है अवेयरनेस। इस YouTube चैनल और मेरी वीडियोज़ के थ्रू या मेरे Facebook चैनल के थ्रू जो मेन पर्पस है वो सिर्फ आपको अवेयरनेस देनी है, क्योंकि मुझे पता है आपको अवेयरनेस मिलेगी यू आर गोइंग टू स्मैश एवरीथिंग। एंड कमेंट बिलो एंड वी विल सी अस इन नेक्स्ट टाइम। पीस आउट।